Now, Sri Shamsher Singh Dullo ji. धन्यवाद सर, आपने मुझे रिजर्वेशन बिल ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर बोलने का मौका दिया। ये रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के तौर कहा जाता है। आज़ादी से पहले भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में अपनी कुल रिप्रेजेंटेशन दी थी 1932 में, और जिसमें मांग की गई थी कि ये दलित सोशल पिछड़े और पीड़ा से पीड़ित समाज के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत भी एक 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडॉनल्ड, और उनकी उनको रिप्रेजेंट किया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। और उस समय मुझे याद है कि पूना पैक्ट के अंगेज महात्मा गांधी जी ने अनशन रखा था, और उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय एक साझा इलेक्टोरेट होना चाहिए, जिसकी बात महात्मा गांधी की मानी और उनका मन वर्त छुड़ाया। ये रिजर्वेशन कोई सरकार आज़ादी के बाद नहीं, पहले भी दी गई थी, और इसकी डिमांड अगर मैं सब कह सकता हूँ कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे ना होते, वो ना रिप्रेजेंटेशन करते हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों दलितों पिछड़ों का जो रहनुमाई ना करते, तो शायद आज़ादी के बाद भी ये रिजर्वेशन हमें ना मिलती। एक मजबूरी है, अफसोस की बात है कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद ये बार बार रिजर्वेशन 10-10 साल के लिए क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या है, क्यों आ रही है। यहाँ स्कीमें बहुत हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, नाम लिया जाता है शेड्यूल कास्टों का, शेड्यूल ट्राइब का, और जात के बेस पे रिजर्वेशन कई लोगों को कड़वी लगती है। ये जात पात देन किनकी है, किस सोसाइटी को जात पात में किसने बांटा, ये मनुवादी सोच किसने लाए, कौन लोग लाए। हम मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है ओरिजिनली, आदिवासी और मूलवासी इस देश के शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, और आदिवासियों के साथ एक ऐसा गुलामों जैसा व्यवहार होता रहा सदियों से पिछड़े को, और उस 70 साल में भी हम लोग इसको दूर नहीं कर पाए, क्योंकि मानसिकता बदलने की जरूरत है। आज देखें, और डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में इन गरीब लोगों का कल्याण तब होगा जब पॉलिटिकल तौर पर, सोशली, धार्मिक तौर पर और इकोनॉमिकली जब ये बराबरता डिस्पैरिटी दूर हो जाएगी, तब समझा जाएगा कि इस मुल्क को सही आज़ादी मिली है, आज़ाद मुल्क है। पर मैं कह सकता हूँ आज भी करोड़ों लोगों को वो गुलामी में ही रहना पड़ता है, उनकी उनको आज़ादी की हवा नहीं लगी, जो इंटीरियर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको कोई आज़ादी का बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए आज देखें, पॉलिटिकली देख लें, हमारी बात छोड़ो, आपकी मिनिस्ट्री में देख लो कितने शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर हैं, यहाँ भी डिस्पैरिटी है, उनको कौन से भूभाग दिए हैं, माइनॉरिटी का एक मिनिस्टर बैठा है, शेड्यूल कास्ट है बना दिए, और जितनी आबादी है उतनी जितनी सीटियाँ उतने भी मिनिस्टर नहीं बनाए, उनको डिपार्टमेंट किया गया। ये तो पॉलिटिकल है, ये हमारे समय भी होता रहा है, यदि मैं कहूँगा बना देते हैं, खाना पूरी है कि SC ST को मंत्री बनाना है, जज कहाँ है हमारे, आज बैकलॉग कितना है, सर्विस कहाँ है। एक मैं 50 साल से सियासत में हूँ, मिनिस्टरों भी रहा हूँ, कई पदों पर रहा हूँ, कभी रिजर्वेशन पूरी नहीं हुई किसी डिपार्टमेंट में। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने सेंट्रल में बैकलॉग को पूरा किया था, ये किया था आपने क्या। बातें होती हैं, 125वीं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाती है, नाम लिया जाता है,
पर अम्बेडकर को फॉलो करना चाहिए। ये बार बार जो रिजर्वेशन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सोशली देख लें, सामाजिक तौर पर जहाँ पर अपरता है, जात पात है, बराबर बैठ नहीं सकते। एमपी की बात अभी कही है, कर्नाटका में क्या हुआ, मंदिर की बात कही गई है, मंदिरों में जाने के इधर अपने बाबू जगजीर राम गए गंगा जल से धोता धुआ, और आपके बनाए हुए ये राष्ट्रपति जी गए थे पुष्कर महाराज, मंदिर में दाखिल नहीं होने दिए, सीढ़ियों पर बैठ कर आ गए। ऐसी तो मानसिकता है। आपने कहा कि हमने इस प्रेसिडेंट बना दिया, के आर नारायणन भी हमने बनाया था प्रेसिडेंट, ये तो प्रेसिडेंट बना देते हैं, कहाँ बताओ स्टेटों में चीफ मिनिस्टर शुरू कितने हैं? समाप्त कीजिए। प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़ो, आप नाम ही नहीं लेते कि किसी शेड्यूल कास्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, कोई भी नहीं लेता, कोई भी पार्टी जो नहीं लेता, क्योंकि वोट बैंक के तौर पर से इन्हें यूज करते हैं, इनको खराब देते हैं, खराब की बात करते हैं, ऐसी मानसिकता चेंज कर सर।